मेहरनगर में सट्टा का नंबर लगाने को लेकर दो युवाओं के बीच विवाद हो गया। विवाद के बाद मामला मेहर थाना जा पहुंचा। मेहर थाना क्षेत्र में जुआ सट्टा का कारोबार तेजी से चल रहा है। मेहर थाना क्षेत्र में शराब का अवैध व्यापार भी चर्चा में बना रहता है। वहीं दूसरी ओर सट्टा का नंबर लगाने को लेकर विवाद का मामला सामने आया है। यहां मेहर के निवासी युवा सट्टे के नंबर लगाने की बात को लेकर आपस में भिड़ गए, गाली गलौज करने लगे और एक दूसरे के साथ मारपीट भी की गई। इसके बाद अपनी बात को लेकर दोनों मेहर थाने पहुंचे। आपको बताते चलें कि शहर के आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में काफ़ी लंबे समय से जुआ और सट्टे का कारोबार बेखौफ संचालित हो रहा है। अधिकारियों को इसकी जानकारी होने के बाद भी किसी प्रकार की मुहिम नहीं चलाई जा रही, ऐसा लोगों का आरोप है। इस कारण क्षेत्र में खुलेआम यह कारोबार खूब फल फूल रहा है। क्षेत्र में कानून व्यवस्था इस तरह बिगड़ी है कि आपराधिक गतिविधियों में लिप्त लोगों को पुलिस का जरा भी खौफ नहीं है। पहले तो कभी कभार एक दो छोटे प्रकरण बनाकर खाना पूर्ति के तौर पर कार्रवाई की जाती थी, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में ऐसी किसी प्रकार की कोई मुहिम को अंजाम नहीं दिया गया, जिस कारण जुए के अड्डे और सट्टे का खेल क्षेत्र में सटोरी खिलवा रहे हैं। वे अपने काम को खुलेआम संचालित कर रहे हैं। ऐसे में लोगों का कहना है कि पुलिस के संरक्षण के कारण इनका संचालन हो रहा है। पुलिस बड़े सटोरियों पर कार्रवाई से बच रही है। ये बात हम नहीं बल्कि पुलिस के द्वारा युवा एक्ट के विरुद्ध की गई कार्रवाई भी दर्शा रही है। दरअसल जिले के अलग अलग थाना क्षेत्रों में रोजाना युवा एक्ट के विरुद्ध सख्ती तो बरती जा रही है, लेकिन ये कार्रवाई सिर्फ छोटे सटोरियों तक ही सीमित होकर रह जाती है। कहा तो ये भी जा रहा है कि उच्च अधिकारियों के आगे थाने की पुलिस रुतबा बढ़ाने के लिए कार्रवाई में बड़े सटोरियों का अप्रत्यक्ष रूप से सहारा लेती है। उच्च अधिकारियों की डांट फटकार के बाद थाने के द्वारा तो जुआ सट्टा के विरुद्ध कार्रवाई की जाती है, लेकिन ये कार्रवाई सिर्फ कागजी खानापूर्ति तक ही सिमट जाती है। कहने के लिए युवा और सट्टा में कार्रवाई का आंकड़ा बड़ा है, लेकिन पर्दे के पीछे से इस कार्य को और खुलेआम तरीके से अंजाम देने का इस अवैध कारोबार में संलिप्त लोग करते हैं। फिलहाल पुलिस भी दावा कर रही है कि अभियान चलाकर ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वे अपने काम को खुलेआम संचालित कर रहे हैं। ऐसे में लोगों का कहना है कि पुलिस के संरक्षण के कारण इनका संचालन हो रहा है। पुलिस बड़े सटोरियों पर कार्रवाई से बच रही है। ये बात हम नहीं बल्कि पुलिस के द्वारा युवा एक्ट के विरुद्ध की गई कार्रवाई भी दर्शा रही है। दरअसल जिले के अलग अलग थाना क्षेत्रों में रोजाना युवा एक्ट के विरुद्ध सख्ती तो बरती जा रही है, लेकिन ये कार्रवाई सिर्फ छोटे सटोरियों तक ही सीमित होकर रह जाती है। कहा तो ये भी जा रहा है कि उच्च अधिकारियों के आगे थाने की पुलिस रुतबा बढ़ाने के लिए कार्रवाई में बड़े सटोरियों का अप्रत्यक्ष रूप से सहारा लेती है। उच्च अधिकारियों की डांट फटकार के बाद थाने के द्वारा तो जुआ सट्टा के विरुद्ध कार्रवाई की जाती है, लेकिन ये कार्रवाई सिर्फ कागजी खानापूर्ति तक ही सिमट जाती है। कहने के लिए युवा और सट्टा में कार्रवाई का आंकड़ा बड़ा है, लेकिन पर्दे के पीछे से इस कार्य को और खुलेआम तरीके से अंजाम देने का इस अवैध कारोबार में संलिप्त लोग करते हैं। फिलहाल पुलिस भी दावा कर रही है कि अभियान चलाकर ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हुआ है क्या घटना हुई है? बता रहे, देखो मैं वहाँ से आ रहा था, इतने में ये पकड़ लिए कालर, मतलब ये बंदा रहा है अपना, तो बातचीत हो रही थी लोग की, तो इसको किसके गर्दन दबाए रहा है, तो मैं छुड़वाने के चक्कर मेरे को ईंटा उठा के मार दिया सर जी। कहाँ के हो, क्या नाम है? करिया पानी। क्या नाम है? रोहित चौधरी। किस विषय को लेकर विवाद हुआ है, कोई मुद्दा? मेरे को विषय नहीं, मतलब इसका मतलब पकड़े थे तो मैं छुड़वा रहा था, इसके पीछे मेरे को सर में अड्डा मार दिया। अब बताइए क्यों तुम दोनों के बीच लड़ाई हो रही थी? सर मैं अपने घर से निकला हूँ, ये जा रहा था सट्टा लगाने, ऐसा तो ये लोग आपस में दोस्ती है, मतलब सब एक ही एक गाँव के ही हैं सब ऐसे, पर ये लोग पता नहीं क्या हुआ, मेरे को पता नहीं, मैं अपने घर से निकला हूँ, कल मेरी बहन की शादी है ऐसा, तो सट्टा लगाने को लेकर विवाद। बोला भैया मेरा भी एक नंबर डाल देना ऐसा, तो ये लोग बोला नहीं झाड़ नहीं डालूंगा, तो मेरा गलत पकड़ लिया ये भाई। कौन खिलवाता सट्टा वहाँ? कौन खिलाता होगा सर, मेरे को पता नहीं है, मैं तो अभी बाहर रहता हूँ अभी सब।